हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों, आज हम SiS सिक्योरिटी कंपनी से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि SiS कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट देता है, यानी वो अपने कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएँ देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हर एक वो सुविधा बताने वाले हैं जो वो SiS कंपनी अपने कर्मचारियों को देता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे जो फर्स्ट है वो ये है कि SiS कंपनी अपने हर एक एम्प्लॉय के लिए एक EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम का एक खाता खुलवाता है। इसमें क्या होता है कि वो हर एक कर्मचारी का 8.65% यानी 8.65% डिडक्शन करता है उसके सैलरी से और उसको इस EPF में जमा करवाता है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका ये जो हर मंथ जो 8.65% जो जमा हो रहा है, उस पैसा को आप कभी भी बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले आप इस पैसा को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना निकाल सकते हैं। और इसमें जो रिटायरमेंट का एज है वो है 65 ईयर SiS में, वो हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं और इसमें भी बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट पेंशन फैसिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। अभी दोस्तों, जो NPS जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसके तहत भी इस SiS में कंपनी हर एक कर्मचारी के लिए एक अलग से खाता खुलवाता है जो NPS खाता होता है, और उसके तहत बाद में पेंशन भी दिया जाता है। और इस कंपनी में फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था है। और नेक्स्ट है बेनिफिट फॉर चिल्ड्रेन एजुकेशन, मैरिज और मेडिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये कंपनी आपके ये जो पैसे जमा हो रहा है ना, उसी से कुछ परसेंटेज लेकर के ही आपके एजुकेशनल चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए देता है। मैरिज अगर दी आपके घर में किसी के शादी है तो आप उसके लिए भी पैसा ले सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस पैसा को ले सकते हैं। किस पैसा को? जो EPF में जो जमा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जो जमा हुआ पैसा, उसको आप निकाल सकते हैं एजुकेशन में यूज़ करने के लिए, या शादी ब्याह में यूज़ करने के लिए, या फिर कोई इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो उसमें। तो ये EPF रहा। EPF दोस्तों हर एक कर्मचारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है एजुकेशन फैसिलिटी। तो देखिए, SiS कंपनी अपने हर एक कर्मचारी को ये सुविधाएँ दे रखा है कि वो अपने दो बच्चे को एजुकेशन फैसिलिटी दे सकता है। और कहाँ पे? तो इंडियन पब्लिक स्कूल जो देहरादून में है, वो SiS का ही स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें ग्रेचुटी का व्यवस्था है। ग्रेचुटी क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर यदि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वो या तो सरकारी या प्राइवेट, कोई भी कहीं भी अगर दी आप परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, तो एक निश्चित ईयर काम करने के बाद, यानी कि मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी एक फिक्स सबका अलग अलग होता है, उसी तरह से SiS का जो है उसमें है 5 साल। अगर दी आप लगातार 5 साल इस कंपनी में काम करते हैं तो आपको ग्रेचुटी सुविधा देता है, यानी कि आप 5 साल बाद जब नौकरी छोड़ेंगे तो आपका EPF का पैसा वो दे देगा, या फिर कंपनी का जो सुविधाएँ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ये है ग्रेचुटी का। तो इसमें क्या है कि ग्रेचुटी बेनिफिट्स आफ्टर 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन द कंपनी। तो ये रहा ग्रेचुटी के बारे में। तो अभी तक 3 चीज़ बता दी हैं, EPF, एजुकेशनल फैसिलिटी और ग्रेचुटी। अब जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वो है मेडिकल बेनिफिट्स। देखिए, कंपनी में अगर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको मेडिकल बेनिफिट भी देगा। उसमें से फर्स्ट है सिकनेस बेनिफिट, यानी अगर यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको सुविधा देगा, जैसे छुट्टी के दौरान पेमेंट भी देगा। इसके जो हॉस्पिटल्स है उसमें ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है। सेकंड है मैटरनिटी बेनिफिट्स। दोस्तों, इसमें क्या है कि ये लेडीज़ हो या जेंट हो, अगर यदि दोनों में से कोई भी जो काम कर रहा है कंपनी में, सपोज़ कि कोई लेडीज़ अगर यदि काम कर रही है और वो माँ जब बनती है या बनने वाली होती है, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलता है। और अगर यदि पिता है, अगर यदि उसका बच्चा हुआ यानी वो फादर बना है, तो भी उसको इसका बेनिफिट मिलता है। और नेक्स्ट है डिसेबलमेंट बेनिफिट। इसमें क्या है कि अगर यदि आप कंपनी में काम करते दौरान
अगर यदि आपको कहीं चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उस दौरान भी कंपनी आपको हर एक सुविधाएं देंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट बेनिफिट। अगर यदि आपका आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, जैसे आपके माता पिता या आपका बहन या कोई छोटा भाई डिपेंडेंट है, तो उसमें भी ये बेनिफिट देता है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो इंश्योरेंस फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या है कि ग्रुप इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है हर एक एम्प्लॉयमेंट के लिए। हर एम्प्लॉय के लिए एक इंश्योरेंस करवाता है GPA एंड GTLI के तहत दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है। और नेक्स्ट है लोन फैसिलिटी थ्रू SIS प्रेवर सुलभ लोन स्कीम, ठीक है। SIS प्रेवर सुलभ लोन स्कीम के तहत आपको ये लोन सुविधाएं भी देती है, यानी आप कंपनी के तहत लोन भी ले सकते हैं अगर आपको वैसा कोई ज़रूरत पड़ जाए तो। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स थ्रू सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। दोस्तों सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत आपको जो एम्प्लॉयमेंट का वेलफेयर के तहत जो भी चीज़ हो उससे रिलेटेड आप इसका ये मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अब जो लास्ट में बताने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि रैंक प्रमोशंस ऑन रेगुलर बेसिस। दोस्तों अगर आप कंपनी में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपका प्रमोशंस तय है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एवरी ईयर हैंडसम इंक्रीमेंट। दोस्तों हर साल आपका जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है उस आधार से आपका एनुअल सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमको ये क्वेश्चंस कर चुका है कि क्या इंक्रीमेंट होता है इस कंपनी में या नहीं। तो दोस्तों इंक्रीमेंट होता है। और नेक्स्ट है कि रिटायरमेंट एज 65 ईयर है, ये तो पहले भी बता दिए। और जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत को ये क्वेश्चंस किया है अभी तक कि सर क्या ये पेमेंट टाइम टू टाइम आता है या नहीं, तो देखिए बता दें आप लोगों को कि सैलरी पेमेंट ओनली थ्रू बैंक अकाउंट ऑन एवरी 10th ऑफ द मंथ। यानी कि कंपनी जो अपने कर्मचारी को सैलरी देता है वो डायरेक्ट बैंक में देता है, उसके खाते में देता है। और महीने के 10 तारीख को दोस्तों आपका पेमेंट आ जाएगा, ये तय है, ठीक है। तो वैसा कुछ भी नहीं है इस कंपनी के बारे में। अगर आप लोगों के अंदर कुछ गलत सोच है तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंपनी अगर आप काम कर रहे तो आपका पेमेंट आएगा ही आएगा दोस्तों। ये सारी सुविधाएं एक कंपनी में अपने हर एक कर्मचारी को दिया जाता है। तो अगर आप इसमें काम कर रहे हैं या फिर इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप जुड़िए। और अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो रहा बेनिफिट से रिलेटेड, और कैसे ज्वाइन किया जाता है, क्या क्या पोस्ट होता है, वो सब से रिलेटेड वीडियो एक्चुअली में डाला जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग इस कंपनी के बारे में जानना चाहता है या फिर ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड और अदर जितना भी वैकेंसीज वगैरह आते रहता है तो उससे रिलेटेड हमेशा वीडियो इस चैनल पे दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।